अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY90 न्यूज और मैं हूं अब्दुल जब्बार। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वजीर आजम के 15 मुआवने खसूसी में से 5 की दोहरी शहरियत। मुआवने खसूसी शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर। जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत के हामिल। नदीम बाबर के पास भी अमरीकी शहरियत। मुआवने खसूसी तानिया एद्रोस के पास भी कनाडा की शहरियत। मुआवने खसूसी मुईद यूसुफ की अमरीका रिहाइश। नदीम अफजल चंद भी कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स ठेके पर देने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने इजलास पीर को तलब कर लिया। पंजाब में करप्शन खत्म ना होने पर इमरान खान बरहम। करप्शन के तदारुक के लिए इदारे क्या कर रहे हैं। वजीर आजम का उस्मान बुज़दार पर भी इजहार एतमाद। वजीर आजम ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल उठा दिए। अहसन इकबाल नून लीग पंजाब बचाओ तहरीक चलाने को तैयार। से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। इसके हकूक और इसके मैंडेट की आवाज को बुलंद किया जाए। पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था और हमारे इस मैंडेट पे डाका डाला गया है, हमसे ये मैंडेट छीना गया है। PIA के 3 कप्तानों समेत 17 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख। पायलट्स को फारिग किया जाएगा। सफाई पेश करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज बारिश की नजर। पूरा दिन एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग्स 469 रन बनाकर डिक्लेयर की। जवाब में वेस्ट इंडीज ने 1 विकेट पर 32 रन बनाए। लाहौर में वजीर आजम इमरान खान का तकरीर से खिताब। 9 बनाए अब तक और ये जो आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं बिजनेसेस को, ये बहुत बड़ा कदम है सही डायरेक्शन में। हमारा जो किबला है वो अब तक शुरू हुआ था 60s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर और हम बाकी खत्ते से आगे थे और आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे रह गए और जो एशियन टाइगर्स हमारे से आगे निकल गए। सिंगापुर जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई इतना बड़ा हब बन जाएगा इकॉनमी का, वो हमारे देखते देखते वो भी एक 50,000 पर कैपिटा इनकम है आज सिंगापुर की। उसकी वजह ये है कि उन्होंने प्लानिंग की थी। हमारी जो प्लानिंग थी 60s के बाद, हमारी प्लानिंग का सिस्टम ही सारा चला गया। हमारी प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो गई जो एक वक्त पे हमारी प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारे जो फर्स्ट 5-year इकोनॉमिक प्लान्स थे वो कोरिया साउथ कोरिया जैसे मुल्क ने लिए, मलेशिया ने लिया और वो आगे निकल गए वो लेके। लेकिन हमने जो एक वक्त पे एक मिसाल थी डेवलपिंग वर्ल्ड की, हम पीछे रह गए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम आगे का नहीं सोचते। हमारी सिर्फ प्लानिंग होती है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, इलेक्शन से पहले कौन सी ऐसी चीज़ करें जो लोगों को नज़र आ जाए, उसको फिर हम अरबों रुपए उसको इश्तहारात दें और उसके बाद इलेक्शन उसके ऊपर जीतने की कोशिश करें। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से आज पाकिस्तान जो मेरा ये मान का हिस्सा है कि ये वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। इस सारे एरिया से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का जो कि 60s के अंदर नज़र आ रहा था। ये जो प्रोडिक्शंस की जा रही थी 60s में कि पाकिस्तान ये सारे खित्ते को लीड करेगा इकोनॉमिकली, तो ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसकी लोकेशन भी मैं देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे के ऊपर है, परफेक्ट लोकेशन है। 2 हब्स हैं, फैसलाबाद और लाहौर उसके बीच में है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है। इसके जो भी आपकी उस्मान जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बैठा हुआ है हमाद अज़हर। हमाद को आपने बताना है और वो उसका काम होगा कि आपके सारे मसले हल करें। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जो है, हमारा जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, जो सारा जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। हर किस्म की रुकावट वो यानी जिधर नहीं भी ज़रूरत होती उधर भी रुकावट डाल देते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि कई दफ़ा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। और
मुझे पूरी तरह अंदाज़ा कभी भी नहीं, जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। हम भी सोचते थे, हाँ नज़र आती थी करप्शन है हर जगह, पैसे दो तो काम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, वो तो नज़र आ रहा था। लेकिन क्योंकि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था और है और इंशाल्लाह पूरा भी होगा, कि हमने इस मुल्क में आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, हमने जो प्लान बनाया हुआ है कि 50 लाख घर हमने बनाने हैं 5 सालों में, जिनमें से वो घर होंगे जो, और है और इंशाल्लाह पूरा भी होगा, कि हमने इस मुल्क में आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, हमने जो प्लान बनाया हुआ है कि 50 लाख घर हमने बनाने हैं 5 सालों में, जिनमें से वो घर होंगे जो कि एक आम आदमी जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपना घर खरीदने के लिए, उसके लिए हम आसानियां पैदा करें ताकि वो। ये थी आज की ताज़ातरीन हेडलाइंस। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY90 न्यूज़।